हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आज हमारे पास आया Volkswagen Polo, जिसके ऊपर हम सिरेमिक कोटिंग का एप्लीकेशन करने वाले हैं। सिरेमिक कोटिंग से पहले उसके ऊपर पीपीएफ था, वो पीपीएफ पूरा रिमूव करके हमने इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग का एप्लीकेशन किया है। चलो तो फिर वीडियो शुरू कर दे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बाद में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो तो फिर वीडियो शुरू कर दे। निकालने के बाद आने वाला है वॉशिंग का प्रोसेस, साथ ही साथ उसका गम भी हमें निकालना पड़ेगा। गम निकालने के बाद वॉशिंग होगी, उसके साथ क्लीन और रबिंग, पॉलिशिंग, डिटेलिंग का काम होने के बाद सिरेमिक कोटिंग का एप्लीकेशन। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना।
सिरेमिक कोटिंग कार के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक नॉनस्टिक लेयर तैयार करता है, जो कि सिरेमिक कोटिंग एक पेंसिल हार्डनेस रहती है, जो 9-10 इंच हार्डनेस रहती है, एक पेंट के पोर्स के अंदर जाके और पेंट के ऊपर एक क्रिस्टलाइन लेयर तैयार करता है, जिसकी वजह से हमें एक लाइट स्क्रैच रेजिस्टेंस, बर्ड ड्रॉप रेजिस्टेंस, यूवी एंड सनशाइन प्रोटेक्शन अच्छा ऑफर करता है। साथ ही साथ एक हाई ग्लॉस भी प्रोवाइड करता है और वाटर रिपेलेंसी भी आपको गाड़ी के ऊपर अच्छी देखने को मिलती है, गाड़ी के ऊपर ज़्यादा पानी नहीं तैरता। साथ ही साथ जो धूप में गाड़ी का पेंट ऑक्सीडाइज होता है, लाइट स्क्रैचेस होते हैं या सोल मार्क्स होते हैं, जो पेंट की जगह पे आने वाले हो सिरेमिक कोटिंग अपना डैमेज झेल लेगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है सिरेमिक कोटिंग के, आप एंड में गाड़ी का रिजल्ट जरूर देखना कि कितना ग्लॉस आता है। हमने भी महिंद्रा XUV 700 पे भी किया है, टाटा नेक्सन के ऊपर भी सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन किया है, उस वीडियो में भी हमने पूरा प्रोसेस वहाँ पे दिखाया है सिरेमिक कोटिंग का, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। चलो तो फिर अब गाड़ी के इसके फाइनल शॉट देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर में कितना डिफरेंस आता है।